नवरात्रि की शुरुआत होने में चंद दिन बाकी हैं और हम निकल पड़े हैं दिल्ली के झंडे वाला मंदिर। इसके लिए सबसे पहले मैं पास के मेट्रो स्टेशन पहुंचकर ब्लू लाइन की मेट्रो लेकर झंडे वाला मेट्रो स्टेशन पर सीढ़ियों से नीचे उतरकर गेट नंबर 2 से एग्जिट करता हुआ बाहर निकला। बाहर निकलकर मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो रिक्शा लेता या फिर पैदल जाता। मैंने दूसरा ऑप्शन चूज किया। महिंद्रा और रॉयल एनफील्ड के शोरूम को देखता हुआ दोनों ओर पेड़ों से घिरी सीधी सड़क, कारों की डेंटिंग पेंटिंग करते हुए कारीगर, स्प्रे की खुशबू और अरावली पर्वत श्रृंखला का आनंद कब रोड पर ले आया पता ही नहीं चला। रोड के दूसरे ओर झंडे वाला मंदिर का इंडिकेशन बोर्ड दिखा। रोड पार कर मंदिर कैंपस में प्रवेश करते ही दुकानें दिखनी शुरू हो गई। दुकानों में चुन्नी, दिए, रोली, मोली, चंदन, तेल, घी, पुस्तकें, श्रृंगार आदि का सामान देखते ही बन रहा था। कुछ दूर चलने पर जूता स्टैंड दिखा। वहां जूता जमा कर टोकन लेकर जेब में रखकर हाथ धोने गया। हाथ धोते ही मंदिर के मुख्य मार्ग पर गया, जहां से आकाश को छूते ध्वजा के साथ मंदिर का गुंबद दिखा। साथ ही दिखे मजदूर जो कि नवरात्रि की तैयारी में जुटे हुए थे। मुख्य मंदिर के प्रवेश के साथ ही नीचे फर्श पर लाल रंग की रंगोली नुमा स्टिकर दिखे, जिसमें लिखा हुआ था यहाँ खड़े हों, और ये सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखकर किया गया था। मंदिर में घुसते ही एक सेवादार ने थर्मल स्क्रीनिंग करते हुए टेम्परेचर चेक किया और सामान्य टेम्परेचर पाने के बाद ही मंदिर में प्रवेश दिया। सीढ़ियों पर चलते हुए ऊपर आते ही सुनहरे सिंहासन और ध्वज के बीच माँ झंडे वाली के दर्शन हुए, जिसके सिर पर मुकुट के साथ मोरपंख, गले में सफ़ेद पीले लाल रंग की मालाएं, शेर के ललाट पर पीले रंग का चंदन और दोनों ओर माँ काली और माँ सरस्वती के साथ विराजमान माँ की मूर्ति को एक टक देखे जा रहा था। और माँ एक मुस्कान के साथ ऐसे देख रही थी मानो जैसे कह रही हो, क्यों परेशान हो रहा है, ये बुरा वक्त भी गुजर जाएगा। कोरोना के चलते मंदिर में किसी तरह का कोई आदान प्रदान नहीं हो रहा था। लोग आ रहे थे और माँ के दर्शन कर जा रहे थे। किसी प्रकार का कोई तिलक प्रसाद वगैरह ना दिया जा रहा था ना ही लिया जा रहा था। दर्शन कर मंदिर से बाहर निकल जूते पहनकर उसी रूट से वापिस हो झंडे वाला मेट्रो स्टेशन पहुंचकर घर के लिए रवाना हो गया। आपकी सुविधा के लिए यहां एक बात जोड़ दूं, झंडे वाला मेट्रो स्टेशन ब्लू लाइन पर करोल बाग मेट्रो स्टेशन और आरके आश्रम मेट्रो स्टेशन के बीच में है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, अपने सजेशंस कमेंट करें और इस तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।